सरकार के साथ साथ पार्टी ने भी तय किया है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वॉर अगेंस्ट करप्शन लागू करेगी, उसमें पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, पार्टी उसके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार कर रही है और साथ ही साथ हम ये एक इसको एक आंदोलन का स्वरूप देने की कोशिश करेंगे। ये अपने आप में बिल्कुल नई चीज़ होगी, नायाब चीज़ होगी और आप लोगों को लगेगा कि देश में पहली बार किसी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का अगर ऐलान किया है तो वो उसको उसके तार्किक परिणति तक ले जाएगी, क्योंकि हमारा ये कमिटमेंट था कि हमें दिल्ली को पहला भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है, शहर बनाना है। ये इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा जिसमें सरकार की भी मदद होगी और हम जनता की भी मदद लेंगे, अपने वॉलंटियर्स की भी भागीदारी उसमें लेंगे और मीडिया से भी गुजारिश करेंगे कि हमारी इसमें मदद करें। इस महीने की 22 तारीख को 22 अप्रैल को आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़े किसान आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। 22 तारीख को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर से एक संसद की तरफ मार्च होगा जिसमें हमारे देश भर के हमारे तमाम साथी लोग इन्वॉल्व होंगे। हमने 6 सदस्यों की कमेटी बनाई हुई है जिसमें अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग हैं और ये लोग किसान आंदोलन को एक शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने किसानों को, जो किसानों की फसल तबाह हुई है, प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है जिसका असेसमेंट बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि 25 अप्रैल तक वो असेसमेंट पूरा हो जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। पावर्ड बाय NNIS।